भारत एक ऐसा कदम उठा सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। वहीं भारत को लेकर ऐसे किसी भी संभावनाओं से रूस भी सावधान है। जैसा कि पिछले डिफेंस एक्सपो में पीएम मोदी ने कहा था कि वह ऐसे किसी भी मौके को जाने नहीं देंगे जो भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाएगा। और जैसा कि पीएम मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से भारत को लेकर एक ऐसी खबर आ गई जो दुनिया को हैरान तो करेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा रूस को परेशान करेगा। जैसा कि रूस लंबे समय से भारत को अपने पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट बेचना चाहता है, लेकिन अब भारत को लेकर इटली ने एक ऐसा खुलासा किया जो कि रूस की चिंता बढ़ा देगा। इटली ने खुलासा किया कि भारत और इटली इस समय तेजी से अपने रक्षा साझेदारी को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन इटली ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया कि फिलहाल भारत और इटली के बीच में ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम पर भी चर्चा हो रही है। वहीं ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम को लेकर भारत का रुख भी काफी सकारात्मक है। जैसा कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा जिसमें ब्रिटेन, इटली और जापान भी शामिल है। वहीं लंबे समय से खुद ब्रिटेन भी भारत को इसी परियोजना का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस परियोजना के सदस्य देश इटली ने पहली बार इतना बड़ा दावा किया कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम को लेकर भारत का रुख सकारात्मक है। यानी कि इटली के दावे के मुताबिक भारत ऐसे छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। ऐसे में यह पूरी खबर कहीं ना कहीं रूस के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि भारत ने अगर ब्रिटेन, इटली और जापान के फाइटर जेट के परियोजना पर अपना कदम आगे बढ़ाया तो फिर ऐसे में भारत को फाइटर जेट बेचने के रूस के कोशिशों को झटका लगेगा। हालांकि ब्रिटेन और इटली दोनों ने यह दावा किया कि अगर भारत ऐसे छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का हिस्सा बनता है तो यह भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि जब भारत के पास अपना स्वदेशी पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा तब उसी समय भारत के पास में छठी पीढ़ी का भी फाइटर जेट होगा, और पांचवी पीढ़ी से छठी पीढ़ी के विकास में लगने वाले समय की बचत होगी। यानी कि भारत को कम से कम 15 सालों का फायदा होगा। हालांकि रूस लगातार भारत को ब्रिटेन और अमेरिका के किसी भी परियोजना से सावधान रहने की चेतावनी देता है। रूस का दावा है कि जब इनका स्वार्थ बदल जाएगा तब यह लोग भारत को भी धोखा देंगे। यहां पर बता दें कि भारत ने फिलहाल ऐसा कोई दावा नहीं किया, ना ही ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी दी। ऐसे में यह पूरा दावा इटली के कूटनीतिक चैनलों का अपना दावा है।